अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज के हमारी वीडियो में हम फ्रॉक या जिसे हम लॉन्ग कोट भी कह सकते हैं उसकी कटिंग करेंगे, जिसके लिए कपड़ा मैंने तकरीबन 2.5 मीटर लिया है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये टू फेस कपड़ा है जिसकी ब्राउन वाली साइड हम अपनी फ्रॉक की अंदर वाली साइड मतलब कि उल्टी वाली साइड रखेंगे। और ये 12 इंच का निशान लगा के हमने कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ दिया, यानी कि शोल्डर की ऊपर वाली साइड पर, जिसे हम कॉलर की मेजरमीटर में इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम लेंथ का निशान लगा लेंगे जो कि 33 इंच लिया है हमने। इसके बाद हम इसकी कटिंग करके बाकी का जो जायद कपड़ा है उसको अलहदा निकाल देंगे। और इसके बाद हम 2.5 इंच पर रख के प्लेकेट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से फुल हेम तक हम 2.5 इंच का ही निशान लगाएंगे और इस तरह से लंबी लाइन खींच लेंगे। अब हम चेस्ट की लेंथ का निशान लगा लेते हैं जो कि हमने 9 इंच लिया है। और इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि शोल्डर से लेके हमने 15 इंच का लिया है। अब हम हिप्स का निशान लगा लेते हैं जो कि शोल्डर से हमने 20 का लिया है। प्लेकेट को निकाल के हम 10 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि मेजर मीटर के अंदर हम प्लेकेट को काउंट नहीं करेंगे। और इसके बाद चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे जो कि 10 इंच का है। वेस्ट हमने 9 इंच ली है। और हिप्स का निशान भी हमने 10 इंच पे ही लगाया है। और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से हम 1/2 इंच माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी गुलाई की शेप देनी है। फुल शोल्डर यानी कि तीरा हमने 8 इंच लिया है। इसके बाद आर्म होल की लाइन भी हम 8 इंच पर ही लगाएंगे। आर्म होल की लाइन में चेस्ट की लाइन में ये देखिए 1 इंच का निशान होगा, ये जिस तरह से नज़र आ रहा है इस तरह कॉर्नर से हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से कर्व की शेप दे लेंगे। और अब यहाँ से सेंटर से हम काट लेंगे क्योंकि फ्रॉक का जो फ्रंट है वो ओपन होगा जहाँ पर हम बटन लगाएंगे। और यहाँ पर अब हम बैक वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे जो कि हमारे शोल्डर के निशान थे, के बैक वाले पार्ट के ऊपर हमें कॉलर वाला कपड़ा नहीं चाहिए। हम इसको काट देंगे और अलहदा कर देंगे। और अब यहाँ से हम जो साइड वाली कटिंग है वो कर लेते हैं। जो बिल्कुल हमने पहले लाइंस लगाएंगे इसके ऊपर कटिंग नहीं करी क्योंकि 1 इंच छोड़ रही हूँ जो हमने मार्जिन के लिए इस्तेमाल करना है। अब हम कॉलर की मेजर मीटर कर लेते हैं। इस तरह से मेजर मीटर कर्व सब ना के हम यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर उस निशान से इस तरह से लाइन खींच देंगे जो कि प्लेकेट के लाइन के ऊपर जाके ख़त्म होगी। अब हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे कि कॉलर लार्ज कितना हमें रखना है। जैसे मैंने 7 इंच का निशान लगाया है, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इसकी लाइन हम इस तरह से जहाँ पर हमारा सेंटर होगा वहाँ जाके ख़त्म करेंगे, इस तरह से गुलाई की शेप ही दे देंगे। अब यहाँ पर हम जो कॉट कॉलर के फ्रंट पे निशान होता है वी का, उसको उस तरह से शेप दे देंगे। ये निशान आप पर डिपेंड करता है, अगर आप इस तरह से शेप देना चाहते हैं तो दे रहे हैं, अगर नहीं भी चाहते तो सीधा इस तरह से छोड़ सकते हैं। अब हम कॉलर की कटिंग कर देंगे। ये जो मैं कॉलर की कटिंग कर रही हूँ इस कॉलर को हम कॉलर वेयर कहते हैं।
अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए माइनस हाफ इंच कर लेंगे, क्योंकि बैक की नस्बत हम फ्रंट वाले पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग है वो ज़रा ज़्यादा गहराई से करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और शोल्डर से भी हम एक इंच कम करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम फ्रॉक के फ्रंट और बैक वाले पार्ट को अलहदा अलहदा कर लेंगे और बैक पार्ट वाले नेक की मेजरमीटर कर लेंगे। इस तरह से एक इंच का निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर देंगे गोलाई की शेप देके, क्योंकि ये कॉलर वाला गला है तो इसलिए हम इसे ज़्यादा गहरा नहीं रख सकते। अब हम फिर से फ्रंट वाले पार्ट पे आ गए हैं। आर्मों की लाइन से ये आपको जो निशान नजर आ गए ये हमने 2.5 इंच पे रख के लगाया है। और यहाँ से इसकी कटिंग कर दें। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।